السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقه في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. कौन हम 139 वाली पेज खोल देना, उस पे 139 हदीस जो है वो हमने पढ़ी तो हुई है, लेकिन I'm just gonna go through one more time. तो हमारी हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु मालफुन वला खैरा फीमन ला यालफु वला युलफु, के मोमिन सरापा उल्फत होता है और उसमें कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता है ना मोहब्बत किया जाता है. तो मुझे एकदम याद आने लगा कि जैसे हम बैक होम ये समझते हैं कि रोब वाला बंदा जो है वो सबसे अच्छा है, उसी की बात मानेंगे लोग. और अगर आप प्यार करेंगे तो फिर कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा. रोब ही डालो, गुस्सा करो, और यानी किसी वक्त ढीले ना पड़ो. और कितनी पर्सनालिटीज ऐसी आपको नजर आती हैं, जैसे हम तो पाकिस्तान से हैं तो ऐसे पेरेंट्स नजर आते हैं जो अपने आप को अकड़ा के रखते हैं, सारी जिंदगी रोब डालते रहते हैं, पूरा खानदान उनसे डरता है. और वो ये समझते रहते हैं कि शायद ये डर जो है ये उनकी इज्जत की अलामत है, यानी इज्जत का मेयार वो डिफरेंट बना लेते हैं. वो ये समझते हैं कि शायद अगर लोग हमसे डरेंगे तो वो हमारी ज्यादा इज्जत करेंगे और ये सबसे हमारे लिए अच्छा है. हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो मोहब्बत करता है और मोहब्बत किया जाता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सबको ये देखना चाहिए कि क्या हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम सबसे मोहब्बत करने वाले हैं और सब हमसे भी मोहब्बत करते हैं. यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मुस्कुराना ही मुस्कुराना है हर वक्त, बल्कि मोहब्बत आपसे वो काम करवाती है जो दूसरे के भले के होते हैं. अब अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा तो आपकी मोहब्बत ये नहीं कि आप उसके माथे पे प्यार देके कहेंगी बच्चे सोया रहे, ठीक है आप तब ठीक सोओगे तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि आप इसी मोहब्बत के साथ, इसी माथे के प्यार के साथ कहोगे कि मेरे बेटे नमाज के बगैर कोई खैर नहीं, नमाज के बगैर कोई खैर नहीं. लेकिन आपका अंदाज वो होगा, ठीक है ना. यानी काम निकलवाने के लिए जरूरी नहीं कि बुरा रवैया अख्तियार किया जाए, बुरे अल्फाज अख्तियार किए जाएं, मार कुटाई इस्तेमाल की जाए. लेकिन मोहब्बत का भी ये मतलब नहीं कि आप हर गलत काम पर दूसरे को पुचकार, ठीक है ना. तो मोहब्बत आपको मजबूर करेगी कि आप दूसरे को उसके फायदे और उसके भले की चीजें बताएं, लेकिन आपका अंदाज अच्छा होना चाहिए. और ये जो शैतान ने हमारे दिलों के अंदर डाला है कि आप गुस्सा करके सजा दे के ऐसा रोक डालो कि बच्चा आपको इनकार ना कर सके और खानदान वाले आपसे डरते रहें. अगर आपका डर और खौफ ज्यादा बैठा हुआ है कि आप जिधर जाते हैं उधर खामोशी हो जाती है, तो उसका मतलब है आप बहुत अच्छे, जीरो बात, गलत बात, कोई हासिल वसूल नहीं होने लगा इस चीज के साथ. अगर रसूलुल्लाह सल्लम ने ये कह दिया कि हमारे में खैर ही तब होगी कि अगर हम मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत किए जाएंगे, तो यानी ये अहदीस क्या करती है. प्लीज आप अपने माइक म्यूट कर लें क्योंकि बीच में वो आवाज आती है ना तो वो रिकॉर्डिंग में चली जाती है. किसी एक बंदे का माइक खुला हुआ है. अमना आपका, अनम आपका माइक बंद है? अच्छा, यस मैम, मेरा बंद. ओके, तो सब ये सोचें कि क्या हम ऐसे लोगों में शामिल हैं कि जब किसी को कोई मुसीबत पड़ती है या किसी को कोई परेशानी होती है या किसी
मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम सारे ये गौर करें कि क्या जब किसी को परेशानी होती है या मशवरे की जरूरत होती है तो क्या वो मोहब्बत के साथ हमारी तरफ पलटते हैं और या फिर हमको अवॉइड करते हैं इस डर के मारे कि हम उन उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाते। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं ताकि फिर हम अपने आप को उस लेवल पे ला सकते हैं, उस क्राइटेरिया पे ला सकते हैं जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है, ये बेहतरीन अखलाक है कि अगर लोग आपसे मोहब्बत करें और आपसे खैर की तवक्को करें, खैर की तवक्को करें, आपसे ताना सुनने की तवक्को ना करें, आपसे बदखुलकी की तवक्को ना करें। यानी ऐसा ना हो कि वो ये समझें कि आप नुकसान देने वाले और हम ये समझ रहे होते हैं अपने में कि हम बहुत ही जबरदस्त हैं कि जहां जाते हैं वहां लोग चुप कर जाते हैं। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगली हदीस हम पढ़ेंगे 141 कि अन अबी मूसा कौल, अब मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा قيل للنبي صلى الله عليه وسلم, कहा गया नबी करीम صلى الله عليه وسلم को الرجل, कि एक शख्स يحب القوم, कि वो मोहब्बत रखता है एक कौम से ولما يلحق بهم, लेकिन वो उनसे मिला नहीं, قال, तो आप صلى الله عليه وسلم ने फरमाया المرء مع من أحب, कि इंसान उसके साथ है जिससे वो मोहब्बत रखता है, चाहे कितना ज्यादा फासला हो, चाहे वक्त की कितनी दिहाइयां गुजर चुकी हो, लेकिन जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है वो उसी के साथ होगा। यानी आप ये सोचें कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो सहाबा कराम को जो है ना, एक सेकेंड, सहाबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना बहुत शाक गुजरता था, वो दुखी महसूस करते थे, उनका दिल उदास हो जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देख के। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने भाइयों को याद करता हूँ। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके भाई हैं, हम आपके आस पास बैठे हुए हैं, यानी कि फिर रोने की क्या बात है कि जब हम आपके आस पास है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तो मेरे अस्हाब हो, मेरे भाई वो होंगे जो मुझसे बाद आएंगे, मुझे नहीं देख सकेंगे लेकिन वो मुझ पर ईमान लाएंगे, यानी वो मेरी बात मानेंगे। बाद में हम लोगों की बात कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें याद करके रो रहे थे। भाई के अंदर बहने भी आती हैं, जब ये कहा जाता है ना कि मेरे भाई बहने जैसे ही महावरतन बोला जाता, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे अस्हाब हो, तुम मेरे साथी हो, तो दोस्त भाई सब कुछ हो, लेकिन मेरे भाई वो होंगे, यानी एक निकाल के बाद इतने अरसे के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं, लेकिन हमारे दिल अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करके और हमें याद कर रहे थे कि मैं नहीं भी उनको नजर आऊंगा तो वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरी बात मानेंगे। तो हम कितने खुश हो सकते हैं इस चीज के लिए, किस कदर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, हमारे लिए रोए, कितने प्यारे आंसू होंगे वो जो उन्होंने अपनी मोहब्बत में हमारे लिए बहाए। तो फिर ये खुशखबरी हमारे लिए भी होगी, अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ये खुशखबरी हमारे लिए भी है कि अलमर उ मा मनहब, बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। वह हसुना उलाई का रफीका, कयामत के दिन यानी कितनी प्यारी ये, कितना प्यारी ये दोस्ती होगी, कितना प्यारा ये साथ होगा। और ये जो बात है ना, हम कहते हैं कि शायद मुंह जुबानी की बात, कि अगर हम कहते हैं कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मुंह जुबान की बात नहीं है। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं ना,
तो फिर आपने उनके तौर तरीकों को भी अपनाना होता है, उनके अहकाम को मानना होता है, उन्होंने जिस चीजों से रोका है उससे रुकना होता है, तब आपकी मोहब्बत सच्ची होती है। झूठी मोहब्बत की बात या नहीं हो रही कि अलमरूमा अहब के बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। अभी आप कहें कि मैंने इतनी दफा जिंदगी में कहा था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ, तो अब तो मैं जरूर ही क्यामत के दिन उनके साथ होंगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आपके अल्फाज उन उस चीज को प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है ना? प्रूफ शुड बी देयर, यू शुड बी रीडिंग योर नमाज रेगुलरली और बिल्कुल उस तरह सुन्नत के मुताबिक। आप बाहर जाएंगी तो उस हुलिये में जाएंगी जिस हुलिये में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कहा हुआ है। आप अपने खानदान वालों के साथ ताल्लुक वैसा रखेंगी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कुरान के थ्रू कि ये नामहरम है, उसको आप नामहरम ही समझेंगी। ये नहीं कहेंगी ये तुम भाई हैं, हम बचपन से इनके साथ पले बड़े हैं, ये हमारा भाई है, और उसको गले लगा रहे हैं, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और बेपर्दा उसके सामने घूम रहे हैं। नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये नामहरम है तो फिर वो आपका नामहरम ही है। तो आपकी बात, आपका अमल शो करेगा कि डू यू रियली लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नॉट। कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बंदे ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है उसकी तरफ इम्तहान ऐसे आते जैसे सैलाब की तरह, यानी वो एकदम उसकी मोहब्बत चेक हो जाती है। अल्लाह ताला उसको इम्तहान में डालता है, और इस इम्तहान से क्या होता है, यानी तकलीफें ऐसी आती हैं, टेस्ट आते हैं कि जिसकी वजह से एक तो वो कि वो पाक साफ हो जाता है, दूसरी उसकी मोहब्बत का इम्तहान हो जाता है, उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, उसका अंदर बाहर पाक हो जाता है, वो प्योरीफाई हो जाता है, गलतियां उससे दूर होती हैं, नेकियों की तरफ वो रागिब हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखें, ये झूठे दावे करने से हम अल्लाह सुब्हान तआला को तो नहीं ना धोखा दे सकते कि हम कहें कि हमने जुबान से ये बातें कही हैं। हम बिदतें भी करें, हम नाफरमानियां भी करें, हम झूठ भी बोलें, हम बेपर्दा फिरें, हम तैयार होकर नामहरमों के सामने आए और उनको लुभाएं, बातें ऐसी करें, हंसें, मिक्स गैदरिंग्स में हमारी ऐसी हालत हो कि यानी अपना हस्बैंड इतना ना देख रहा हो जितना गैर देख रहे हो, और फिर हम कहें कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। झूठ होगा ना, झूठ होगा, यानी इसकी उल्टी सजा मिलने वाली बात ना हो जाए। तो जो मोहब्बत का दावा करता है फिर वो अपनी मोहब्बत को जाहिर भी करता है। अगर हम आम लोगों के बारे में भी देखें कि अगर आप अपने बच्चे से कहती हैं कि मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो फिर आप मोहब्बत क्या शो करती है? आप अपने बच्चे की बातें करती हैं, आप उसकी तरफ देखती हैं, आप उसकी आदत को नोटिस करती हैं, आप उसके पसंद के खाने पकाती हैं, यानी आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है ना। अगर हस्बैंड से मोहब्बत हो तो फिर क्या होता है, आप हर उसकी पसंद और नापसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं। मोहब्बत मजबूर करती है कि इंसान उस सांचे में ढल जाए जैसा महबूब चाहता है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा है, जो कि हर मोमिन का होना चाहिए, ये ईमान की अलामत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत करें जैसे आप किसी और से इंसानों में से नहीं करती। सबसे बढ़कर वल्लदी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही। ये जो ऊपर हदीस हमने पढ़ी थी ना कि अल्लाह की कसम तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम मुझसे ऐसी मोहब्बत ना करो कि जो सबसे बढ़कर हो, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे वालदैन से बढ़कर। तो फिर अपने दावे को भी चेक करें, अपने अमाल को भी चेक करें कि क्या मेरे अमाल ऐसे हैं जो मैच करते हैं वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद थी।
क्या मैंने अपने आप को वैसे मोल्ड कर लिया है? अगर कर लिया है और कोशिश कर रही हूँ, लेट्स से अभी किया नहीं, आज ही मैंने सुनी है ये बात, आज ही मेरे दिल में ये आ गया कि अच्छा मैंने तो अपने आप को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर देना है ताकि मेरी मोहब्बत का दावा सच्चा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझें कि पहला स्टेप पे आपने पहला स्टेप ले लिया, आपने जिस वक्त की ख्वाहिश की, अब अल्लाह सुबहाना व तआला उस रास्ते पे आपको चला देगा जो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला होगा। आप दुआ करते जाएं, आप सुबह दोपहर शाम करें कि अल्लाह सुबहाना व तआला मुझे वैसा ही बना दे जैसा तू पसंद करता है अल्लाह सुबहाना व तआला। जैसे कुरान पाक में आता है ना कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सब से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरा मुझे फॉलो करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं, اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك, अल्लाह हमें उन लोगों का भी प्यार दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, उस अमल का भी प्यार दे जो तुझ तेरी मोहब्बत तक पहुंचाने वाला है। तो वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है जो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो हमको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाती है। लेकिन ये मोहब्बत आपसे डिमांड जरूर करेगी, जैसे हर दुनिया की मोहब्बत डिमांड करती है। जिन लोगों को दौलत से मोहब्बत होती है तो उनकी मोहब्बत ये डिमांड करती है कि वो सुबह दोपहर शाम दौलत के बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में सोचे, किधर लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पैसा। वो सोते हैं इसी सोच के साथ, वो उठते हैं इसी सोच के साथ, उनको आधी रात में जाग आती है तो इसी सोच के साथ कि कहीं हमारा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, कहीं हमने जहाँ पर अपने वो लगाए हुए हैं क्रिप्टो करेंसी कभी कभी क्या कभी क्या, वो यही सोच रहे होते हैं कि कहीं हमारी कारोबार डूब ना जाए। तो वो रातों को जगाती है मोहब्बत, उनको रातों को जगाती है और वो जागते हैं और वो इस जागने पर तकलीफ का इजहार नहीं करते, कोई कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि उनको कारोबार में फायदा हो रहा था। तो जब हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हम उनकी मोहब्बत में वो सारे काम करेंगे सुन्नत वाले, और जब हम रात को तहज्जुद के लिए उठेंगे तो हम कोई शिकायत नहीं करेंगे क्या ये मुझे आधी रात को जाग आ गई थी और मैं जागी हूँ और मैंने नमाज पढ़ी और अब सुबह मेरी खराब हो गई है और मुझे मेरे से सही काम नहीं हो रहे, मेरे सर में दर्द है। ये नहीं करते मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत करने वाले शिकायतें नहीं करने वाले होते, वो शुक्रगुजार होते हैं, वो मोहब्बत को इंजॉय करते हैं और मोहब्बत के एक एक स्टेप से उनको उनकी पसंदीदगी जुड़ी होती है। तो अगर हमने ये सोचना है कि अल्लाह ताला इतने जमानों के फासले के बावजूद मेरी मोहब्बत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत स्ट्रांग है, तो फिर मेरा अमल उसकी तस्दीक करेगा और उस मेरे लिए खुशखबरी पक्की हो जाएगी, अल मरउ मा मन हब, के बंदा उसी के साथ होगा, एंड अप उसी के साथ करेगा जिससे वो मोहब्बत करता है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो हम सब ने अपना अमल देखना है। अगली हदीस है, अन अनस बिन मालिक कौल, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जा रजुलुन, एक शख्स आया, इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी तरफ, फ़क़ालत, उसने कहा, या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मता सा, ये क़यामत कब आएगी? अस्सा क़यामत का नाम है ना, जैसे क़यामत के दिन के मुख्तलिफ नाम आपको कुरान पाक में मिलेंगे, अस्सा अल-क़ारिया अल-ग़ाशिया, बहुत सारे नाम हैं क़यामत के और सारे नाम ऐसे हैं कि डरा देने वाले, कि जैसा वो दिन होगा ना, बड़ा सख्ती का दिन होगा, बड़ा हार्ड दिन होगा, मोमिनों के लिए नहीं होगा, मोमिनों के लिए नहीं होगा, लेकिन एक घबराहट वाला दिन है। चूंकि हम मोमिन नहीं है तो हम डरते हैं उस दिन से, हम अल्लाह सुबहान तआला की रहमत मांगते हैं, हम उस दिन के लिए दुआएं करते हैं,
खाफिदातुर राफिया होगा, जो बहुत ऊपर ऊंचे हैं उनको नीचा कर देने वाला होगा। इस दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चूंटियों जैसी शक्ल दे देगा, और इस दुनिया में मिस्कीन और आजिज बनकर अल्लाह सुभान व तआला की ताबेदारी करने वालों को बादशाह बना देगा, और कुछ लोगों के लिए वो खड़ा होने का दिन होगा, कुछ लोगों को सवारी दी जाएगी, कुछ लोगों के पसीने उनके मुंह तक आएंगे, इतनी पसीना इतना पसीना, उसकी हकीकत तो अल्लाह जानता है कि क्या होगा, कितना शदीद पसीना होगा, कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि कुछ लोगों को पसीने की लगामें लगी होंगी। आपने कभी देखा होगा कि कभी आप बाहर जाए ना तो गर्मी बहुत हो तो सर से पसीना, बीच में आपको वो बूंद पता चल रही होती, नीचे कमर में जा रही होती, तो आपको इतनी बेचैनी होती है किस वक्त मैं घर पहुंचू, और आप बार बार अपने मुंह को पहुंच रहे होते हैं और पसीने टिप 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 टिप, तो आपका दिल चाहता है किस वक्त घर जाके नहा के तो मैं सूखे कपड़े पहनूं। पसीने से दिल खराब होता है, बेचैनी होती है, तो वो दिन ऐसा होगा। तो उस दिन के लिए दुआ जरूर किया करें कि अल्लाह ताला उस दिन मुझे उन लोगों में शामिल करना जिनके लिए आपने कहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए कोई खौफ होगा और ना वो रिग्रेट करेंगे, ना पीछे की चीजों को सोच के रिग्रेट करेंगे और ना आगे के इवेंट्स को, जो कयामत के इवेंट्स होंगे उनको सोच के उनको खौफ आएगा। नो फियर नो रिग्रेट, ये दो चीजें हमें इस दुनिया में मारती हैं और आखिरत में भी यही तकलीफ देंगी। तो अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें। तो उस बंदे ने आके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी। कौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा आदत्ता लहा, और तुमने तैयार क्या किया हुआ उसके लिए कि तुम इतने बेचैन हो, यानी तुमने क्या तैयारी की हुई है। ये पूछा कि यानी कोई क्वेश्चन किसी चीज के बारे में करता है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने उसको एक और क्वेश्चन डाल दिया। कौला, उसने कहा हुब्बल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यानी मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एंड डेफिनेटली हुब का मतलब उन लोगों को पता था कि क्या है, हमारे जैसा नहीं कि टीवी चैनल के ऊपर आके और टिक्का और झूमर लगा के और नात पढ़ रहे पूरा मेकअप करके गजरे पहन के, या नात पढ़ने के लिए आ रही हूँ तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लगी हुई हैं कि वो खातून आ रही हैं और उन्होंने पूरा मेकअप किया हुआ है और वो उनके ऊपर फूल निछावर किए जा रहे हैं और वो दफ बजा के और आवाज पूरी ऊंची करके और नाते पढ़ रही हैं, और उनका कोई अमल उस मोहब्बत को प्रूव नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑपोजिट काम करके और अल्लाह की मोहब्बत की नाते पढ़ रही, अल्लाह के रसूल सल्लम की मोहब्बत की नाते पढ़ रही। उन लोगों को हुब का मतलब पता था कि हुब का मतलब है कि बिल्कुल उसी तरह से अमल करना मोहब्बत में जैसा कि महबूब चाहता है। उस बंदे ने उस मोहब्बत का जिक्र किया था जो अतात के ऊपर, जो इत्तबा के ऊपर मजबूर कर देती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे क्या कहा, फइन्नका, फिर अगर तुम सच्ची हो अपनी मोहब्बत में, फा क्या कह रहे, फिर अगर ये बात सच्ची है, فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ أَحْبَبْتَ, تو پھر تو تم انہی کے ساتھ ہو کہ جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ قال انس, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول نے دی کہ پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو۔ ہم یہ جس طرح کہتے ہیں نا, پھر تو ہم تر گئے, ہماری تو شان ہی نرالی ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت قربانی مانگتی ہے, محبت اطاعت مانگتی ہے, محبت اتباع مانگتی ہے۔ جب یہ کہا
कि अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला कहें कि आप नमाज पढ़ें उठें तो आप कहें नहीं मुझे नींद आई है, नहीं मैं इस वक्त अपनी नींद तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं नींद तोड़ दूंगी तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाएगी और मैं मुझे फिर परेशानी हो जाती है, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। नहीं 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 ये फिर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो आपको ऐसे खट करके उठा देती है कि आप कहते हो कि एक सेकंड भी लेट ना हो मैं, फटाफट वजू करके और आप नमाज पे खड़ी होती हैं और फिर आप नमाज को भी इंजॉय करती हैं। आपको पता है कि आप अल्लाह ताला से मुलाकात कर रही हैं, ये अल्लाह ताला से मुलाकात है, ये छोटी मुलाकात है, कयामत के दिन बड़ी मुलाकात होगी। तो जो अल्लाह सुभान व तआला के साथ छोटी मुलाकात को मोहब्बत रखता है, जो उससे प्यार करता है, वो ही अल्लाह ताला उससे बड़ी मुलाकात में मोहब्बत करेगा। चलिए आज दो चीजें तो हमको पता चली, एक तो ये कि हमने ये देखना है कि क्या हम मोहब्बत किए जाते हैं और मोहब्बत करते हैं, क्या लोगों पे हमारा रोब है और हम उसी से खुश हैं, लोग हमारे तानों से डरते हैं, लोग हमारी रोब में झुके झुके जाते हैं, कोई खैर नहीं होगी जो मोहब्बत ना किया जाता है ना करता है। बच्चों से प्यार करें, बड़ों से प्यार, बड़ों की इज्जत करें, प्यार करें और अपने जैसों से बेहतरीन मामला करें, खैर बरकत वाला। और दूसरी चीज हमको ये पता चली कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी होनी चाहिए, कि हमें कम अज कम चले पता तो हो कि अल्लाह कौन, अल्लाह सुबहान तआला के बस अल्लाह ताला की सिफात तो पता हो। क्या हम अल्लाह ताला के बारे में कुछ जानते हैं? या बस हमें यह पता है कि अल्लाह ताला सजा देने वाला है? क्या पता है मुझे अपने रब के बारे में, क्या पता है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? अब यकीन करें मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, मैंने उससे पूछा, बड़ा बच्चा है यूनिवर्सिटी जाने वाला, वो कुरान, उसका छोटा भाई भी पढ़ता, तो टेलीफोन के ऊपर उसने कहा कि आंटी मेरे से सुनो। तो मैंने कहा ओके दैट्स फाइन, चलो कि आपके मम्मी अप्पू को बड़ी ख्वाहिश है कि वो पढ़े मुझसे, तो मैंने कल उससे पूछा कि बेटा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच डू यू नो अबाउट योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही स्टेड क्वाइट एंड ही सेड नॉट मच। देन आई सेड इफ यू डोंट नो हिम हाउ कैन यू लव हिम, एंड इफ यू डोंट लव हिम इनफ हाउ आर यू गोइंग टू बी एबल टू फॉलो हिम, हाउ How is that possible? Where are the parents? जो ये मोहब्बत दिल में डालते हैं, क्या कर रहे हैं पेरेंट्स सुबह दोपहर शाम, उनकी क्या रूटीन है कि उनके बच्चों को उनके उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताया, उनके पास टाइम नहीं था। निकाल सकते कि थोड़ी बात कर लें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जब मोहब्बत नहीं होगी वो फॉलो कैसे करेंगे? उनको तो दुनिया की हर अदर एवरी अदर थिंग इज गोइंग टू बी मोर बिलव्ड एंड मोर इम्पोर्टेंट। हाउ कैन यू इंस्टिल द लव ऑफ सला व्हेन दे डोंट नो अबाउट देयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शदीद दुख की बात है, शदीद दुख की बात है। और एक दफा और मैंने किसी बच्चे से पूछा था कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पता है, तो उन्होंने कहा हाँ उनको तो वैसे वो भी नहीं आता था, यानी उर्दू भी नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कोई आया था पहले बताने के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। यानी हर चीज का अदब सिखाना होता है, हर चीज के बारे में बात कैसे करनी है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कम से कम हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि अपने घर वालों के दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जगाएं, उनके तौर तरीके। और अगर आप ये बताएंगे ना, यकीन करें कि इफ यू स्टार्ट टेलिंग देम द सीरा, दे आर गोइंग टू फॉल इन लव विद हिम, दे आर गोइंग टू से माय गॉड आई डिडंट इवन नो
कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत सारी गैर मुस्लिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात पढ़ के और उनसे मोहब्बत करके और इस्लाम में दाखिल हुए और हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को ये होश नहीं है क्योंकि उनके बिजनेस बहुत चल रहे हैं। माओ को ये तकलीफ है कि हमने शौहर जैसा होना है, जॉब हमने बस करनी है और फिर हम घर में आए हम शौहर जैसा ही रोब डालें, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ साथ तो खाना पकाओ, बच्चों के डायपर चेंज करो। वो बिल्कुल वो कोशिश कर रही है कि उनका भी रोब वैसा हो। अल्लाह ताला ने ये काम डेलीगेट क्यों किए थे कि बाहर का काम आदमी करेगा, घर का काम औरत करेगी, ये डेलीगेशन किस लिए थी कि ये ताकि औरत को पता हो कि मेरा फील्ड क्या है और आदमी को पता हो मेरा फील्ड क्या है। इवन दो के आदमी के बीच में ये सलाहियत होती है कि वो बच्चों की तरबियत में हिस्सा डाल सकता है, लेकिन मोस्टली माँ होती है की तरबियत करती है, उसके दिल में जिस जिस चीज को डालना होता है माँ डाल रही होती है। अल्लाह ताला ने माँ के अंदर ये सलाहियत रखी है, उसके अंदर ये पेशेंस ये और हौसला रखा है कि वो अपने बच्चों की हर तरह के मूड्स देखने के बावजूद उसको पता होता है कि मैंने क्या चीज इनके दिल के अंदर घोल के इनको पिला दे दी। तो जब माई ही घरों में मौजूद नहीं है तो उनकी तरबियत तो यूट्यूब ही कर रहा है ना, या टिकटॉक कर रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, या फेसबुक कर रहा है। ये शैतान ही उनके सर के ऊपर मुसल्लत है ना फिर, जो उनकी तरबियत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं किससे मोहब्बत करने। ये देखो ये कपड़े पहने तो इससे इस सेलिब्रिटी से मोहब्बत करो, इस तौर तरीके से मोहब्बत करो, और ये वाले प्रोफेशन तुमने इख्तियार करने हैं। अब सबको क्या है, टिकटॉक पे वीडियोस डालने शुरू कर दो, यूट्यूबर बन जाओ तो तुम जो पैसा कमा सकते हो। उनको किस चीज से मोहब्बत हो गई? उनकी पर्सनालिटी बनाने वाला, उनकी सोच बदलने वाला कौन है? आपने शैतान बिठा दिए ना उनके ऊपर। माँ मौजूद नहीं तो जाहिर पे कोई ना कोई तो बैठेगा। मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, यानी गुनाह की कश्ती में बैठ के अब जो मर्जी आए करें वो। छोटे छोटे बच्चे, अब यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे हर जगह पे, गांव शहर की कोई कैद नहीं रह गई अब कि कहीं पे कोई महफूज हो। पहले कहते होते थे कि गांव में लोग सादे होते हैं क्योंकि उनको उनके पास ये चीजें नहीं पहुंची हुई थी, लेकिन अब तो हर जगह पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हर एक पास एक्सेस है इंटरनेट की। और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को दे देती है माएं, ये नहीं समझती कि किस कदर गलाजत है टिकटॉक के ऊपर, किस कदर गलाजत है यूट्यूब के ऊपर। वो उन बच्चों को तो नहीं पता, वो तो क्लिक कर रहे हैं और उनके सामने तो तस्वीरें आ रही है ना, गाने चल रहे हैं, नाच चल रहे हैं, और वो एक एक और के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर रहे हैं, और उनकी आंखों और कानों में क्या चीजें जा रही है नहीं पता। उनकी मोहब्बत टेलीफोन से माँ, दे डोंट इवन केयर, जाए जिधर मर्जी है जाती है। कभी सोचा नहीं कि बच्चों का क्या तब्दीली आ रही है उनके अंदर, क्या चेंज आ रही है कि उनकी जो माँ के साथ कनेक्शन था वो टूट रहा है, और उनके आईपैड्स और उनके कंप्यूटर्स के साथ उनका उनकी मोहब्बत ज्यादा जुड़ गई है कि वो छीने तो वो रोते हैं, माँ को छीने तो वो कहते चलो जाए जिधर मर्जी आ जाए, माँ से कोई नहीं। कितने दुख की बात है। तो अब यकीन करें कि यहाँ जो यूथ है ना, बच्चे जो सोचते समझते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देंगे, हमारी औलाद हुई ना तो हम इन चीज इन शैतानों को उनके हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि ये इंसान को इंसान नहीं रहने देते, हैवान बना देते हैं ये चीजें, अगर इनका सही इस्तेमाल ना किया जाए। और बच्चों को नहीं पता होता कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, वो किस किस किस्म के कार्टून्स देखते हैं, उन उनकी पर्सनैलिटी हैपहैजर्ड स्कैटर्ड बना देते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं। जैसे इस वक्त बड़ों की पर्सनैलिटी भी ऐसी है,
स्कैटर्ड पर्सनैलिटी, किस बात पे इनको हंसी आ जाएगी, किस बात पे इनको रोना आ जाएगा, किस बात पे इनको गुस्सा आ जाएगा, नहीं पता चलता, क्योंकि इतना दिमाग में गंद बला और उल्टी पुल्टी चीजें जा चुकी हैं कि उनको अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं समझ आता। तो बच्चों को कैसे होगा, अगर बड़े पागल हो रहे हैं इन चीजों को देखकर, तो बच्चों का क्या हाल होगा? तो मैं ये कहती हूँ कि कम अज कम औरत को अपने फराइज को जरूर देखना चाहिए कि मेरा फर्ज क्या है, फर्ज के बाद मैं नफल करूंगी। अगर मैं अपने बच्चों को सही तरीके से पाल रही हूँ तो फिर अगर मैं कोई जॉब करती हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और वो जो फर्ज चीज थी वो छोड़ के मैं नफल नहीं कर सकती, पैसे का या रोब का या के खावन मुझे पैसे नहीं देता तो चलो मैं जॉब करके पैसे, आप पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पैसा कमाएगी भी तो अपनी औलाद के लिए कमाएगी, और अगर औलाद जाया होती है खुदा नखास्ता तो वो पैसा कुछ काम नहीं देने वाला, कुछ काम देने वाला नहीं। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त का जोर भी ऐसा है कि अगर हाँ लोगों ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली दीन का हुलिया बिगड़ जाता है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर औरतें अपने फराइज को देख लेना तो उनको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज करने वाली है। एक और चीज, अभी मैं सूरह यूसुफ पढ़ा रही थी तो मैंने देखा आपने माइक म्यूट कर दीजिए। आप अनम म्यूट करिए। और गैस में जैसे अंडा उबालते हुए तो पैन को म्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ये कह रही हूँ कि सूरह यूसुफ में पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे लेकिन उनको बता रहे थे कि आपके वालिद इब्राहिम और इसहाक जो हैं उनके बारे में बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने उन पर जो फजल किया था। तो जब हज़रत यूसुफ बच्चे होने के तौर पर ही वो आगे चले गए, मिस्र में जाके बिक गए, लेकिन उनको अपने आबाव अजदाद के नाम याद रहे और उनकी तालीमात याद रही, वो उन चीजों को नहीं भूले जो उनके वालिद ने उनको बचपन में बता दी थी। अगर आप जैसे मैं अगर अपने अम्मी अब्बू को याद करती हूँ ना, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो मुझे ये याद आती है चीज कि मैंने सारी जिंदगी बचपन में मैंने यही देखा कि मेरे अब्बू अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। वो हम्द लिखते थे, वो नाते लिखते थे, वो फजर में उनके सबसे पहले हमारी आंख खुलती थी तो आती थी आवाज, हस्बुनल्लाह व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। मुझे ये पता था कि मेरे अब्बू जब भी मुश्किल का वक्त आता था तो कहते थे अल्लाह हमें काफी है। यानी वो चीजें मैं नहीं भूली, वो मेरी कानों के बीच में, मेरी आंखों के बीच में, वो सारी चीजें महफूज है एक बच्चे के तौर पर जो मैंने देखी थी। तो जिस तरह मैंने उन चीजों को याद रखा है, डेफिनेटली मेरी चीजें मेरे बच्चे याद रख रहे होंगे ना। तो मैं ये पूछती हूँ कि हम सब अपने घर में अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हम उनके आसपास मौजूद हैं ये मोहब्बत डालने के लिए, ये बताने के लिए कि सबसे महबूब काम हमारे लिए नमाज है और कुरान है, क्या हम ये मोहब्बत डालने के लिए मौजूद हैं, या फिर हम जल्दी जल्दी से जॉब से आते हैं और कहते हैं मैं थकी हुई हूँ, ये लो खाओ मरो सारे इधर उधर हो जाओ, और जाओ सिपारा पढ़ने वाले, हम सिपारा पढ़ने वाले के पास भेज के समझते हैं कि बस हमारा तो दीनी फर्ज अदा हो गया और बस हमने खिलाना और सुलाना है बच्चों को। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जब तक हम फितरत पे वापस नहीं आएंगे, जब तक हम फितरत पर वापस नहीं आएंगे, तब तक हम दोबारा से वैसी नस्लें पैदा नहीं कर सकते जैसी नस्लों को इस्लाम की जैसी नस्लें इस्लाम को चाहिए रिवाइवल के लिए। हमने उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया जो लोग बर्बाद हुए हैं, जो सोसाइटीज बर्बाद हुई, वो फेलियर्स हैं। उन्होंने अपनी औरतों को भी काम कराया है, मर्द भी काम कर रहे हैं, एंड दे आर फेलियर्स, देयर चिल्ड्रन आर टोटली डिस्ट्रॉयड। वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं उनको किक आउट करते हैं कि यू नो बी
इंडिपेंडेंट, गो आउट एंड लिव योर लाइफ, व्हाई आर यू ऑन अस, या फिर उनसे किराया लेते हैं, उनसे ऐसे ही डील करते हैं जैसे किसी बाहर के बंदे के साथ डील कर रहे होते हैं। ये तो फेल हो चुकी है सोसाइटी और उनका लाइफस्टाइल। माँ बाप उनके ओल्ड हाउसेस में जाके मर जाते हैं उनका इंतजार करते करते, और यही साइकिल उनकी चल रही है। वो खुद भी एक्सपेक्ट यही करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को 15-16 साल में किक आउट किया होता है, तो डेफिनेटली उनको, अगलों को भी पता होता है कि हमारी औलाद भी यही करने लगी है, और ना इनके पास पीछे पलट कर आते हैं, तो उनका तो साइकिल ये चल रहा है। हमने उनको फॉलो किया जो डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चल रहे हैं और जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि फेलियर्स हैं, और जो कामयाब लोग हैं उनको नहीं देखेंगे। तो यू नो वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि हम अपने जो बड़े हो गए ना, जो दादियां भी बन गई हैं, उनको चाहिए कि ये ना कहें कि ओ हमारे सर पे अपने बच्चे ना डालो, अपने पोतों को, उनको देखे तो कहीं इधर आ जाओ, जो काम मैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकी वो मैं अपने पोतों के साथ कर लूंगी, जो मैंने उधर मिस किया और मैंने अपने बच्चों के दिल में वो चीज नहीं डाली, आज मैं अपने पोतों नवासियों को, नवासों को इकट्ठा करके उनके दिलों में डालती ताकि मैं कहीं ना कहीं तो पास हो जाऊं। तो ये मोहब्बत हमने डालनी ही डालनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि हम इस खुशखबरी के को रिसीव करने वाले हों। और वो क्या थी खुशखबरी? फइन्नका मा मन अहबबता, जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो तुम उन्हीं के साथ हो के। अब इसमें जमाने का फासला छोड़ते, अगर ये दूरी होती है ना, ये दुनिया की जो दूरी होती है, फासले भी होते हैं और जमाना भी होता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप से जिसके साथ मोहब्बत करेंगे आखिर में ग्रुपिंग होगी ना, आप उस ग्रुप के अंदर मौजूद हो। तो हमें दिल यही चाहता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो उस दिन। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर हमारे तौर तरीके और हमारी मोहब्बत अपने प्रूफ के साथ होगी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी देयर। हमारे आमाल जो है ना वो उस दिन गवाह बन जाएंगे कि हम इस मोहब्बत को डिजर्व करते थे। तो फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि रसूल अल्लाह के हाथ से हौज़े कौसर का पानी भी पियेंगे और कयामत जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौसुल आला में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की मुराफ़िकत भी नसीब करेगा। आमीन 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 इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। चले यहाँ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। आज मैंने कोई स्टोरी नहीं चूज करके रखी, पर आज का सबक ही हमारे लिए बहुत थॉट प्रोवोकिंग है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, देन यू कैन डू दैट। بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.